What's up, people? It is 14 Feb. That is Valentine's Day. So here it is, a Valentine's Day vlog. क्या? बहुत ही ज़्यादा interesting vlog मैं बनाने वाला हूँ. जो मैं इस लड़की को नहीं बता सकता. ठीक है, किसी और के साथ मना सकता हूँ मैं वैलेंटाइन से. सो बट ये वैलेंटाइन डे व्लॉग में मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये मजाक नहीं रहेगा. ठीक लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है. अच्छा अच्छा, थैंक्स. मेरे को अकेले बनाने दे मेरे व्लॉग का हिस्सा. जा भाई, खड़ा आके मजाक कर रहा हूँ यार. सो अब साक्षी चली गई है. ओके, तेरे पास दो ऑप्शन है अभी. देखो, दो में से एक ऑप्शन चुनना है. ये है, एक है होम डेट और एक है दूसरा डेट. सिलेक्ट कर, टच करना, लेना नहीं हाथ से मेरे. टच कर सिर्फ. दोनों पे होम डेट लिखा. देखो, उजाले में नहीं दिखाना चाहिए था. अभी भी तुझे सिलेक्ट तो करना पड़ेगा. होम डेट तो फिक्स. होम डेट, ये समझदार है ये. दोनों पे होम डेट लिखा तो ही तो मजा है. मैं इसको घर पे ही डेट. ये तो मेरा प्लान था जो तूने चौपट किया, बट होगा वही. बिगेस्ट स्कैम एवर. स्कैमर बॉय जस्टिन इन द हाउस. दिखा रहा है मुझे ना, सी थ्रू है वो. अरे वो सी थ्रू का प्रॉब्लम क्या, लाइट आ रही है. मैंने देखा जब था, वो इधर से देखा था. बट दक्नेश, आई एम प्लानिंग कि आई विल जस्ट चेक इन विद द गाय जिसके साथ मैंने सेटअप अरेंज किया है, कि सेटअप अरेंज हो रहा है या नहीं. एंड गलती से कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए. पता चला असली में वो हुआ ही नहीं और मैं उसको सिर्फ घर ले जा रहा हूँ. सो लेट्स सी, उससे बात कर लेता एक बार. हाय ब्रो, व्हाट्स अप? हाय सर. सो क्या मतलब सेटअप कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, कितने बजे तक वी विल बी सेट? सर, सेटअप का पूरा प्रिपरेशन चालू है अभी. सनसेट के टाइम पे आपको सेटअप मिल जाएगा. कैंडल लाइट डिनर रहेगा प्रॉपर. आप सनसेट के टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हो बीच के टाइम पे. सुपर. और आपका वही सेटअप चालू है अभी. एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सेटअप इज रेड एंड व्हाइट ना? यस सर, रेड थीम, रेड रोजेस में आपको सेटअप रहेगा. ओह लवली लवली. यस यस सर, परफेक्ट. तो वी विल बी देयर बाय 5:30 मोस्टली. तो आप लोग उसके पहले पूरे सेट हो जाना. ओके, श्योर श्योर. यप यप, लवली, विल सी यू देयर, बाय बाय. ओके सर. सो आई गेस पूरा काम वहां पे सॉर्ट है एंड इट विल बी फन. देखते क्या होता है. हमेशा की तरह क्या हो रहा है अभी? साक्षी शिवास तैयार. अब ये ऐसी दिख रही है, अब कुछ देर बाद मेरा मेकअप निकाल दे. जल्दी रेडी हूँ मैं. तेरे बैग में से कुछ नहीं निकाला. तेरे बैग में है मेरा. मेरे बैग में क्यों सामान रखा? ट्रॉली में रखा था मैंने. क्योंकि तू निकल रहा है हम लोग का और ये अभी तक रेडी नहीं हुई है. मुझे ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा, तू एक भी दिन क्यों नहीं टाइम पे रेडी हो सकता? अरे अभी 20 मिनट्स है ना बाबू. 20 मिनट्स है गाइस, 20 मिनट के बाद मैं आप लोग को मिलूंगा. व्हाट्स अप पीपल, वी आर बैक. एंड बैक आने के बाद भी क्या हुआ, ये लड़की यही पे. एक बार अपना रिवील करो चेहरा. डैंडर है चेंज. यहाँ पे कुछ लगा हो तो निकलने के लिए अभी भी हमें और थोड़ा टाइम है. थैंक यू हमेशा की तरह. व्हाट फॉर? लेट होने के लिए. लेट इज द न्यू क्या? कूल. लेट इज द न्यू कूल. फाइनली ये छोटा गांव रेडी हो गया. मेरी ड्रेस चेंज करा दी. आई हेट यू. अरे बाइक पे तेरे को ही धूप लगेगा. तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ. लेट्स गो, वी आर लेट. 2 hours later. फूह, फाइनली आफ्टर अ शॉर्ट राइड हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे घर. तुम मुझे जानबूझ के लंबे रास्ते से ला रहे थे, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो हम जल्दी पहुंच गए थे. बस ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो सो गई थी एक डेढ़ घंटा. तुम मुझे घर क्यों ला रहे हो? एक छोटे से राइड के बाद, क्योंकि होम लेट है. घर चलते, ऊपर चलते. अच्छा, कपड़ा चेंज कर लेते हैं और नहीं लगे. लेट्स गो. दो माला चढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं हेलमेट नहीं यूज करता. मेरे परिवार वालों ने प्लान फ्लॉप कर दिया. जस्टिन वेट चिल्ला दिया जब मैं बेल बजा रहा था. बट ये आ चुकी है मेरे घर. दो घंटे मुझे फ्राई कर दिया इसने धूप में. है ना, ये तो खेल है. ये हो गया. देख हैप्पी वैलेंटाइन.
इधर तो क्या फ्रेम में, जो फ्रेम में दिखना जरूरी है। Oh my God. ये चादर मेरी मम्मी लोग ये हटाने के फिराक में था, पता है कि धूप आएगी नहीं आएगी। कैसा लगा तुझे मेरा सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सच बता, ऐसा लग रहा था इतनी दूर ये करने लेके आया। इसको ये नहीं पता कि ये सब बस टाइम पास है। कैसा लगा तुझे सरप्राइज बता लोगों को? सरप्राइज कैसे लगे ये बता, सच अजीब लगा ना? सही है ना? अच्छा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। यही तो मैं चाहता था कि तुझे अजीब लगे। कैसा लग रहा है तुम्हें सेट? अच्छा लग रहा है? वाली लग रही मतलब तुम्हें दिल रख रही है? नहीं, बट तेरी मॉम और तेरी दीदी कितनी अच्छी है। वो तो बहुत अच्छे लगे। सो अब तेरे लिए एक मेरे पास कौन करता है? मुझे मेरी बात सुन। ये जो है ना, ये वैलेंटाइंस का चेक पॉइंट है। यहाँ पे तुझे कपड़ा चाहिए और अब भी अपन कहीं तो लगा मेरे मन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। छोटा सा ये बेकर है, ये वो सेटअप नहीं है। असली सेटअप आने वाला है। रेडी हो जा। तो ये एक्चुअल में प्रैंक था, बट एक स्वीट प्रैंक था, जिस कारण मैंने सोचा कि तुझे यहाँ पे ऐसे ही बुला दूँ और बोलूँ मैं बिठा देता हूँ, पर इसने मुझे लेट कर दिया तो मैं इसको यहाँ बिठा नहीं सकता थोड़े भी देर। तो प्लान में चेंज, क्विकली पहुँचेंगे हम असली जगह पे। अच्छा रेडी हो गए। 20 minutes later ओके सो चेंज कर लिया मैंने और साक्षी ने भी, एंड अब रेडी हो गए हम लोग। एंड टाइम पास पार्ट ऑफ द व्लॉग इज ओवर। तुझे क्या लगता है कहाँ जा रहे अपन? अंदाजा लगा? कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं। कीरे जी ये पकड़। अब इससे ज़्यादा मैं बाइक पे नहीं बैठ पाऊँगी। ठीक है मैं अकेले जाऊँ, तुझे एड्रेस भेज रहा हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे तू। मेरी आदत है। पूरा रास्ता भर मैं गैस करती रही, मुझे लगा था ये लड़का मुझे गुजरात ले जा रहा है और ये मुझे घुमा फिरा के वसई ले आया, वो भी अपने घर। एंड यहाँ से भी 30 मिनट जस्ट इन। आई एम वेयरिंग अ ड्रेस एंड आई एम सिटिंग लाइक आंटीज जस्ट। ओ मम्मा मैं गिर जाऊंगी। मेरा ना बैक दुख रहा है और अभी आधे घंटे और मैं कैसे बैठूंगी? और रास्ता बता मुझे, नहीं तो गलत पहुंचेंगे। नहीं है पास मेरे कोई गम, नहीं है तू सही है या है गलत मुझे खबर नहीं है। यहाँ तक मैंने गूगल मैप पे देख लिया, कोई तो रिसॉर्ट है और बीच के पास रास्ता पता नहीं आता है। एक रास्ता एक तरह से सही है, दो ही हाथ है ना? दो ही हाथ क्या होता है? तो थोड़ी देर में होगा लोकेशन रिवील। ये तेरी यादें लिपटी है बाहों में मेरे, इन्हें छोड़ जाओ वापस पास। फाइनली एट द लोकेशन। मैं एकदम ज्यादा ऐसे ब्राउनिश क्यों लग रहा हूँ, बट ठीक है लोकेशन है ये गाइस। इट लुक्स गुड। मैं कॉल कर लेता हूँ ताकि मैं अभी बात कर पाऊँ। मुझे मेरा फ़ोन दे दे, इतना दूर नहीं था ना। सो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे दोस्त को। हाँ सर ये ब्लश कर रही है, खुश लग रही है मेरे सर एक्टिंग में। वो इसमें तो म्यूजिक आना चाहिए, अभी जाकर बात कर लेता हूँ जिसने सेटअप पूरा अरेंज किया है कि पूरा काम सॉर्ट है कि नहीं। हेलो हाउ आर यू? से हाय टू द व्लॉग। हाय एंड देयर इट इज मिस्टर वास। सो एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू डू इज मैं कोई बैग रखना था।
हाँ जी वो हम ही है। देख रही हूँ चला रही थी। ओह फक जस्टिन और साक्षी है। कैसा लग रहा लोकेशन? नॉट बैड ना? इट्स लाइक अ स्प्लिट वाला। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये रीजन क्यों है ये सेटअप और ये चलने का। बिकॉज़ आई फील लास्ट अपना डेट ऐसे ही किसी सेटअप में हुआ था ना, एंड मैं चाहता था कि हमारा बाहर का फर्स्ट डेट भी ऐसे ही किसी सेटअप में। डू यू लाइक इट? यस। प्लान ये था कि मेरे को ऑफकोर्स देखो सरप्राइज तो करना ही था, तो मैंने सोचा बेस्ट वे क्या है। लास्ट डेट अपना बीच पे हुआ, मेरे को स्ट्राइक हुआ कि स्प्लिट्सविला का लास्ट डेट एंड बाहर का फर्स्ट ऑफिशियल डेट। अपन फर्स्ट टाइम डेट पर गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट एवर डेट स्प्लिट्सविला के बाद, तो फर्स्ट ऑफिशियल डेट भी बीच पे होना चाहिए। सो गेट अ गुड स्टार्ट। हग नहीं करेगी, बैठी हुई है दूर होके। मेरा चेहरा मट्टे मट्टे हो चुका है 4 घंटे बाइक पर ट्रैवल करने के बाद। I'm still like happy. What is this? It's actually really nice, yeah? पटा लिया तूने मेरे को, टेंशन क्यों ले रही है? हो गया, क्यों कर रही है मेकअप? बट इट इज ब्यूटीफुल यार, क्या बोल रहे हैं? लेकिन तू भी सुंदर दिख रही है। मेरी लाइफ का स्प्लिट्स विला खत्म नहीं हो रहा है गाइस। इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट। लव इट या यू? टाइमिंग, ये फोन यहाँ स्टे नहीं कर रहा है बट ये मेमोरी स्टे करेगा राइट। इट्स क्यूट, आई लाइक इट। पूरा वाइब अच्छा है, ब्रीजी है। आई लव इट। मेरे को नहीं लगा था मुझे इतना मजा आएगा, बिकॉज पर्सनली आई एम नॉट अ डेट पर्सन, बट इट इज फन। अभी आप थोड़े नन्हे मुन्ने ब्लॉगर। एक बार में खड़ा कर दिया तूने तो। मेरी पावर ही ऐसी है। चल ठीक है, तेरे से कुछ पूछता हूँ रैपिड फायर, जो मन में आया बोलना। समथिंग जो तू तेरे लाइफ में करना चाहती है स्पॉन्टेनियसली, एकदम स्पॉन्टेनियस फास्ट। दूसरा क्वेश्चन, तेरे दिमाग में अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं है प्लान। ओके, लाइफ में तू क्या करना चाहती है? बहुत कुछ। ओके, तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मेरे मम्मा पापा। लवली। यूट्यूब में फेमस हो गया, तुझे कैसा लग रहा है? बहुत सेक्सी। क्या तू सेलिब्रिटी बन चुकी है? अभी नहीं। तुझ में एटीट्यूड है? थोड़ा सा। नाइस, क्यूट आंसर। तू इस डेट सेटअप को रेट कर आउट ऑफ 10। 11। वाओ, तूने सच बोला या झूठ बोला? सच। It's all white, you're wearing white, it's a beach, it's like, I cannot expect that in Mumbai, you know, and thank you. मेरी बात ही ऐसी है, शोस, I'm the guy, क्या था वो लाइन? Justin is the guy every woman deserves, wow. ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, ये सब मैं ऐसे ही मजे में करता हूँ। तारीफ मैंने बोला मैं अच्छा नहीं हूँ पागल, तो लोग मुझे अच्छा मानते हैं। कुछ आइडियाज है क्या करना है इंटरेस्टिंग? बता मुझे। मैं बताऊँ? तू बता। एकदम ठीक सामने रख दिया उन्होंने हमारा खाना। बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ इज जस्ट सिट एंड वॉच, लिव द मोमेंट, यू नो, लिव द
गाइस लिव द मोमेंट के लिए आई फील मुझे कैमरा थोड़े दिन बंद करना चाहिए. आई जस्ट कॉल दिस एंड वी शुड जस्ट चिल यू नो द वाइब्स. हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग देखो, दो चेयर है, आगे की सीट खाली है, फिर भी दोनों यही रहे. लगे नहीं मन ये मेरा, मन ये मेरा. लगे नहीं मन ये मेरा, मन ये मेरा. लगे नहीं मन ये मेरा, मन. लगे नहीं मन ये मेरा, मन. क्यों बना रहा हूँ? Think about it. नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये व्लॉग मैं हमेशा याद रखूँ, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट ऑफिशियल डेट विथ मिस श्रीवास. वाओ, हाउ आर यू सो अमेजिंग. एक्चुअली मैं बचपन में दूध में हल्दी डालकर पीता था. दैट्स व्हाई आई एम दैट अमेजिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वैलेंटाइंस डे? आपको ये जो आपके आसपास सेटअप दिख रहा है, अलग अलग कपल्स आ रहे हैं कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहन के, ये सब बकचोदी है. मुझे एक टाइम तक लगता था बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू डेटिंग, बट आई फील दिस इज ऑल्सो फीलिंग, इट्स अ इमोशन जिसको फील करना चाहिए एंड यू शुड लिव इट. जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ आई फील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. राइट, देखो भी ना. यस, जबकि अपन ने कितना 2.5 घंटे के ऊपर बाइक पे राइड किया रहेगा. More than that, but look at this. So pretty. Like आज के दिन का vibe अलग है. Like yes. It's love is in the air. For sure, I can see people आदि कुछ roses लेके आ रहे हैं, couples आ रहे हैं, लड़कियाँ heels पहन के आ रही हैं ये beach पे बेचारी that struggling because I have struggled too. जाए कहीं wow. दिल ये दोबारा टूटना जाए. So guys, just मुझे एक स्टोरी बता रहा है शिव पार्वती जी के बारे में. आई डोंट नो हाउ ही इज अवेयर ऑफ द इंडियन गॉड्स, बट लेट्स हियर दिस. ओके, क्या मस्त फ्रेमर. तो हुए तो ये है कि शिव और पार्वती भगवान का होता ही है. हाँ. कि पार्वती को जाना रहता है कहीं पे एंड शिव भगवान ना बोलते. हाँ. ठीक है. हाँ. अब शिव भगवान जब ना बोलते हैं पार्वती नहीं मानती. हाँ. एंड उसके बाद पार्वती चली जाती है. हाँ. तो सारे भगवान या बाकी के आसपास वाले जो उनके जो रहते हैं फेलो वो लोग बोलते हैं कि आपकी तक बात नहीं मानी भगवानों के. हाँ. तो शिव भगवान बोलते वो है औरत का हट, पार्वती का हट. तो ये जो हट जो चीज है ना, हट मतलब जिद. यस, तो एक फीमेल हट करके एक चीज एग्जिस्ट करती है जिस कारण हम सारे लड़के परेशान हैं. ये इस कहानी का मोरल है, चाहे कुछ भी हो. ओह माय गॉड, शी इज राइट. यू नो व्हाट जस्टिन, हां आई हैव टू थिंग्स इन माय फ्रेम राइट नाउ. वन इज हियर द सनसेट एंड वन इज हियर. And you know what the problem is? What is the problem? I cannot decide which one is more pretty. Christ. This is so stupid. Okay, मैंने दो मिनट कुछ बोल दिया ना बिना रिकॉर्ड किए, but okay. This is so pretty. PDA. This is PDA. But it's fine. Final sunset का time. 987 में चला जाएगा. लगे नहीं मन ये मेरा, चुटकू. लगे नहीं मन ये मेरा, मन. चल, टेल मी व्हाट इज 8 प्लस 8? 16 प्लस 4? 20 प्लस 4? 24 24 माइनस 24? 0. दैट इज व्हाट यू हैव इन योर ब्रेन. ये मैंने ऑन द स्पॉट बनाया. फक यू, क्रेजी स्मार्ट. गिविंग माय आंसर्स बैंग ऑन, बैंग ऑन, बैंग ऑन. कितना सुंदर फ्रेम आ रहा है बार बार. दिखा मुझे, दिखा. दिख तू. ओह माय गॉड. रुक जा, पोज दे, दिखा दे तुझे.
एक्चुअली मेरे प्लान में ये था कि मेरे प्लान में ये था कि हम लोग रात तक रुकेंगे बिकॉज दीज लाइट्स लुक अमेजिंग तभी, बट मुझे जाना भी है यूएसए कल, पागल फिर से आ जाएंगे अगले 14, तब तक कुछ नहीं हो रहा भाई, घर में बंद होने वाली होगी। बैक कैमरा से मेरे को दिखा, बैक कैमरा से इसको दिखा तो एक मिनट। ये प्यार जो सर पे चढ़ा, उस प्यार का तो सिर्फ रहा है तू। तो गाइस जस्टिन ने अभी ये देखी है एटीवी, तो मुझे कुछ याद आ रहा है। बट देख आज फ्रेम में आसपास तक कोई नहीं है, आज से मैं एटीवी और साक्षी और बैक पाइपर सोडा, इसे वो ऐड है ना, मैं इसका ये अच्छा इफेक्ट दे रही है ये वाली कैंडल इफेक्ट्स। गाइस ये लड़का पिछले 4 मिनट से बिना आग झपकाए हुए मुझे ऐसे ही देख रहा है, अब तो झपका रहे हैं पागल। टैलेंट है मेरा, टैलेंट ये अंधेरा हो चुका है, थैंक यू एंड इसने एक और पिज्जा बना लिया। कितना खा सकती है रे तू, आई फील इट्स टाइम, है कि नहीं, इट्स टाइम चलना चाहिए यहाँ से। वैसे तो बीच अभी और ब्यूटीफुल लग रहा है, फील लाइक आई रियली नीडेड दिस। दे दे फाइनल गुड बाइस, नो नो I'm eating अभी। ओके ठीक है तू खा ले फिर। खाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है इसे। भले देख ब्लर है बट इट लुक्स गुड बिकॉज इट फील्स गुड। पीपल हैप्पी वन लास्ट थिंग, यस हैप्पी वैलेंटाइंस एंड वी लव यू ऑल यार। वाओ यू गाइस आर क्रेजी, मेरे को जिस लेवल यहाँ पे भी अभी बहुत सारे लोग मिल गए, Hi Justin, you guys are so cute. ये सब बोलने वाले, which is amazing यार। मुझे ये ज़्यादा शायद इसी वजह से पसंद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। It's time we leave this beautiful location and सीधे पहुँचे उसी घर पे। अभी वो घर वाला जो सेटअप था वहाँ पे। कैसा लगा तुझे आज Justin? I feel मुझे बहुत अच्छा लगा। I felt थोड़ा सा refreshing and I've gotten a new start. अब next 14 February को देखते हैं कि यहाँ पे मैं किसके साथ आऊँगा। Just kidding, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा, राइट? जो अभी हम हमारे साथ नहीं है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा आज, बट मैंने तेरे साथ एंजॉय किया। It was a nice chat, bro. Good job. Okay, so here is the guy behind the whole thing, the beautiful date. Thank you so much, we love it, guys. So yes guys, check out this place which is now ultra in the camera. Kshitij Fry Bros Cafe, it's in Virar. Yes, in Virar Rajouri. Virar Rajouri. Yes. Check it out. And thank you. You made our day special, right? We are leaving. Bye bye. I'll come again. Without me.